Of course, efficient way ये है कि एक स्टोरी डिजाइन की जाए और बाकी कॉपी पेस्ट की जाए इसी तरह अगर आपको पंखा बनाने के लिए दिया जाए तो फैन का हर पर डिजाइन करोगे नहीं वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यही चीज आज हम सीखने वाले हैं क्रियो में इसके लिए जो कमांड यूज होती है उसे पैटर्न कहा जाता है तो अब तक मैंने एक प्लेट बनाई है और उसके ऊपर एक सिलेंडर बना दिया है अब हम देखते हैं कि पैटर्न की कमांड यूज किस तरह होती है जैसे ही आप पैटर्न की कमांड में दाखिल हुए तो ऊपर देखिए वहां लिखा है सिलेक्ट पैटर्न टाइप और सिलेक्टेड टाइप है डायमेंशन अब जरा आके अपना मैसेज बॉक्स पढ़िए यह कहता है द डायमेंशन टू वेरी इन द फर्स्ट डायरेक्शन अब यहां पर चार डायमेंशन मौजूद है जिनमें से दो सिलेंडर के सेंटर को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे शो कर रही हैं और बाकी दो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर को दिखा रही हैं। तो मैंने एक डायमेंशन सेलेक्ट की नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाकर मैंने आठ कर दिए अगर मैं ओके करूंगा तो मेरा वो सिलेंडर रेप्लीकेट हो गया है आठ पार्ट्स में अगर मैं चाहता हूं ये दरमियान के दो सिलेंडर ना आए तो उन पे क्लिक करके मैं उन्हें डिसेबल कर दूंगा क्रियो टू यूज करने वालों को यहां पर ब्लैक और व्हाइट डॉट्स मिलेंगे वो भी सेम इसी तरह ही काम करेंगे और अगर मैं चाहूं कि ये पैटर्न सिर्फ एक डायमेंशन में ही ना रहे तो इसे मैं बढ़ाकर टू डायरेक्शन कर दूंगा अब सिलेंडर न सिर्फ आगे को रेप्लीकेट हो रहे हैं बल्कि साइड में भी रेप्लीकेट हो गए हैं ये लाइंस मैं खुद से बढ़ा सकता हूं और मन चाहे सिलेंडर को अनसिलेक्ट भी कर सकता हूं एक लम्बे के लिए दोबारा से हम अपने सिंपल केस पे आते हैं और सिंगल डायरेक्शन में काम करते हैं अब यहाँ दो और डायमेंशन भी मौजूद थी लोकेशन के अलावा उनमें से एक हाइट की है और दूसरी सिलेंडर के डायमीटर की मैंने कंट्रोल को प्रेस करते हुए हाइट वाले डायमेंशन पे क्लिक किया तो यहां इस विंडो में एक डायमेंशन ऐड हो गई है और उसके इंक्रीमेंट में मैंने लिख दिया 10 और जब मैंने ओके किया तो हर अगला सिलेंडर पिछले सिलेंडर से दस यूनिट हाइट में बड़ा है यही काम मैं डायामीटर के साथ भी कर सकता हूं और इस दफा इंक्रीमेंट मैंने दिया माइनस फाइव का इट मीनस वो घटता जाएगा उसका डायमीटर अब यही इंक्रीमेंट वाली चीज हम सेकेंड डायरेक्शन में देखते हैं इस सिंपल केस में ये लाइंस रेप्लीकेट हो गई हैं। जो इंक्रीमेंट फर्स्ट लाइन पे लगे थे सेम वही लाइंस रेप्लीकेट हुई हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सेकंड डायरेक्शन को सिलेक्ट करके कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है के केस में ऑल्सो ये लाइन रेप्लीकेट हुई है पर हर अगली लाइन में डाया मीटर पांच यूनिट बढ़ रहा है अब पैटर्न की दूसरी टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं डायरेक्शन अभी स्किप कर देते हैं तो उससे आगे है एक्सेस एक्सेस पैटर्न जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आपका मैसेज बॉक्स कहता है डेटम या सेंटर लाइन चूज करो तो मैंने जैसे ही उसे एक सेंटर लाइन बताया तो उसके अगेंस्ट मुख्तलि पॉइंट्स अपेयर हो गए इट मींस के अब यहां यहां सिलेंडर बनेंगे सिलेंडर का आपस का एंगल चेंज किया जा सकता है इसी तरह अगर मैं चाहूं चार सिलेंडर 360 के सर्कल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो मैं इसे दबाऊंगा और मैं चार की बजाय छह भी कर दूं तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगे सिमिलरली डायशन पैटर्न की तरह एक्सेस में भी हम सेकेंड डायरेक्शन में सिलेंडर्स बढ़ा सकते हैं ये काम होगा इधर से और उनके दरमियान का डिस्टेंस मिलेगा यहां से और ये पॉइंट ड्रैग करके भी डिस्टेंस चेंज किया जा सकता है और अगर बात की जाए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो तो आप कर ही लेंगे लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं अगर मैं इस डायमेंशन में इंक्रीमेंट दे दूँ दस का आ, ये थोड़ा विजिबल नहीं है तो इस इंक्रीमेंट को बढ़ा लेते हैं और अगर नंबर बढ़ा दे तो आप इसे वाजे देख पाएंगे अब ये एक स्पाइरल की शेप है अब अगर मैं दूसरी डायमेंशन में इंक्रीमेंट दे दूं तो अब सिलेंडर इक्वी डिस्टेंस नहीं है बल्कि उनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है सो मूव ऑनवर्ड हमने स्किप की थी डायरेक्शन पैटर्न की कमांड तो अब यहां तक मैंने दो सेंटर्स लाइन लगाई हैं और एक सिलेंडर बनाया है समझने के लिए आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन कमांड मिक्सचर है डायमेंशन और एक्सेस कमांड का पहले देखिए ये डायमेंशन कमांड के साथ किस तरह सिमिलर है बस इस दफा आपने डायरेक्शन सिलेक्ट की है आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अब जो चीज आप डायमेंशन कमांड में नहीं कर सकते थे वो ये कि आप किसी एक्सिस या सेंटर लाइन को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे अब जब मैंने इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया तो उसके अलोंग सिलेंडर रेप्लीकेट होंगे बिल्कुल उसी तरह हम सेकेंड डायरेक्शन में भी अपना स्ट्रक्चर रेप्लीकेट कर सकते हैं और अब बताता हूं कि ये डायरेक्शन कमांड एक्सेस से किस तरह से सिमिलर है ये था लीनियर इस ड्रॉपडाउन बटन में जाके आप इसे एंगुलर चेंज कर सकते हैं और उसे मैंने एक्सेस भी बता दिया स्पेसिंग एंगल चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ मेंबर भी चेंज कर सकते हैं अब मैंने एक डायरेक्शन में तो एंगुलर रखा है और दूसरी डायरेक्शन में लीनियर रखा है तो एक एंगुलर पैटर्न रेप्लीकेट हो गया है लीनियरली उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हमने उसे दी थी अब दूसरी डायरेक्शन के नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ा सकते हैं अब ऐसा करते हैं कि पहली डायरेक्शन को लीनियर रखते हैं और दूसरी डायमेंशन को एंगुलर रखते हैं तो देखिए इसे किस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा सेट टाइप सेटिंग में अब बारी है कोऑर्डिनेट्स की मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया और यहां पर मेरे पास एक्स वाई और जी की स्पेसिंग आ गई मैं एक्स में चेंज कर सकता हूं वाई में चेंज कर सकता हूं और Z में भी चेंज कर सकता हूं देखिए मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ वैल्यूज दी हैं। अब अगर हम ओके करते हैं तो क्या होता है ये प्लेट से ऊपर सिर्फ जी डायरेक्शन में वैल्यू देने की वजह से उठा हुआ है अब आप इसे सेकेंड डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं तो ये वीडियो थी आज के लिए ऑल दो पैटर्न कमांड पूरी तरह से हमने नहीं पढ़ी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और अब देखते हैं आपका वीकली टास्क इस टास्क में आपके पास दो व्यू हैं। इस टास्क में मोस्टली दो ही कमांड यूज होगी एक रिवॉल्व की कमांड और दूसरी पैटर्न की कमांड मुझे हर दफा बताने की जरूरत नहीं है हर वीक का कैट का टास्क जुम्मे के रात 12 बजे तक सबमिट करा सकते हो तो ठीक है अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज